शिक्षा सेवा के लिए बिहार राज्य महादलित शिक्षा सेवा संघ ने शिक्षक विकास के लिए आज पटना में अपने सैकड़ों सदस्यों के साथ संगठन के विस्तार के लिए आम सभा आयोजित कर संगठन के पदाधिकारियों का चुनाव किया है। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। आपको बता दूं कि दलित महादलित टोला शिक्षा संघ की आज अहम बैठक की गई और इस बैठक में चूंकि आज तक इस तरह का संगठन नहीं इन लोगों ने कायम कर चुका था और आज एक नया संगठन बनाया है और इसमें अलग अलग तरह के पदाधिकारियों का चयन किया है और हम जानने की कोशिश करते हैं इस पदाधिकारी से कि आखिर इस संगठन बनाने का क्यों नौबत आया और क्या इसका भविष्य है, क्या चाहते हैं, शिक्षा व्यवस्था में क्या अलग जगह पाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराम कुमार चौधरी है, मैं प्रदेश के संरक्षक हूँ। जी बताइए कि ये संगठन निर्माण करने की क्या जरूरत है? एक्चुअली संगठन निर्माण 2010 से ही है, लेकिन कुछ विस्तार करना था, कुछ अच्छे लोगों को लाना था संघ में, इसके लेकर के आज बैठक की गई और इसमें आप देखेंगे कि बहुत ही शानदार टीम का गठन आज हुआ है, बहुत ही टैलेंट टीम का गठन हुआ है। ये टीम माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के विभाग से लेकर के सारे लोगों जो संबंधित पदाधिकारी हैं, विभागीय पदाधिकारी हैं, उनसे मिल करके मेरा निवेदन होगा कि जो 2018 की नियमावली है उसमें संशोधन करके हमें भी एक सम्मानपूर्वक दर्जा दे, चूँकि कहीं से भी किसी तरह के हम कमी नहीं कहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को जो सम्मान दिया है शायद इस धरती पर, बिहार के धरती पर कोई नहीं दे सकता, इसलिए हम उनके प्रति उनके सानिध्य में रह करके जो जन शिक्षा विभाग के द्वारा कुछ गलत नीतियाँ निकलती हैं हम उसके अगेंस्ट में माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय मंत्री रत्नेश सदा जी हों या संबंधित मंत्री जी हों, उनके माध्यम से हम अवगत कराना चाहेंगे कि हमारी समस्या का निदान हो। अपना सेवा देकर शिक्षा जगत में कितना अलग जगाना चाह रहे हैं, क्या करेंगे आप? साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, इस भारतीय संविधान को मानने वाले हैं, तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य है कि खास करके मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूं, जो हमारे SC समाज है, ST समाज है, उनके बाल बच्चे मतलब एक पढ़ लिख करके एक अच्छा मतलब जगह पर मतलब पहुंचे और अपने आप को ऐसा महसूस करें कि आने वाला समय हमारा। और हम चाहते हैं कि प्रत्येक मतलब शिक्षा सेवक अपने दायित्व को मतलब ईमानदारी पूर्वक से निभाएं और घर घर जा जा करके अपने समाज के बच्चों को शिक्षा के प्रति या शिक्षा के महत्व को बढ़ चढ़ के मतलब उनको मोटिवेट करते हुए एक अलग मतलब पहचान के रूप में उनको जब बनाने का कार्य करें। बिहार में जो शिक्षा का व्यवस्था है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल में बच्चों की नगण्यता दिख रही है, तो ऐसे में कैसे अपने समाज के बच्चों को वहाँ तक पहुँचाने के लिए कौन सा काम करेंगे? सबसे पहले हम मीडिया कर्मी को धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे इस नवनिर्वाचित कमेटी के समय इस हम लोग को बातों को लेने के लिए आप आए। तो मेरा कहना ये है कि हम अपने बच्चों को उस पौधान से लाते हैं कि जहाँ झुंगी झोपड़ी में बच्चा रहता है वहाँ से हम लोग लाते हैं, चाची दादी कह कर के ये पढ़ेगा तो बाबा अम्बेडकर साहब का सपना है उसको हमको पूरा करना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को कहे हैं कि हम ऐसे 28,000 शिक्षा सेवकों को हम यहाँ धरातल पर किए हैं कि वो मुख्य धारा से वंचित बच्चों को लाने का काम करेंगे और कर भी दिए हैं, इसमें कहीं कोताही नहीं है। तो हम लोग बेखूबी के साथ अपने कार्य निर्वहन को करते आ रहे हैं, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। इसलिए कि हम लोगों को 26 नवंबर को या BPSC का नियुक्ति पत्र दिए उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं कि हमारे शिक्षा सेवक भी एक और दो क्लास कर जाकर विद्यालय में पढ़ाएंगे और ये सरकारी कर्मी भी है, हम लोग भी मांग किए हैं तो 26 नवंबर को घोषणा भी किए हैं कि नहीं ये शिक्षा सेवक हमारे सरकारी कर्मी है, ये लोग हमको हम सरकारी कर्मी हम इनको मानते हैं। तो हमारा कहना में है कि हम लोग जिस उद्देश्य के साथ अपने महा जो हमारे कार्य है उसको करते निभाते आ रहे हैं तो हमारे सरकार भी हमसे खुश है कि नहीं ये लोग हमारा काम धरातल पर उतार। खास मांगे क्या होगी? खास मांगे हमारे हैं कि विद्यालय में हमको संपूर्ण रूप से समायोजन किया जाए, प्राथमिक शिक्षा का दर्जा दिया जाए। हम लोग का मांग यही है, जो शिक्षकों की तरह हम लोग खड़ते हैं तो वही स्थिति हम लोग को भी पे स्केल ग्रेड पे लागू किया जाए।
तो देख सकते हैं कि ये 28,000 की तादाद में लोग हैं और ये महादलित दलित शिक्षा संघ के लोग चाहते हैं कि शिक्षा का अलख झुग्गी झोपड़ी से उठकर स्कूल तक पहुंचे और बिहार सरकार से भी इनकी मांग है कि हमें एक समायोजित किया जाए और हमें भी शिक्षक का राज्य शिक्षक का दर्जा देने का कष्ट करें, कृपा करें। जिस तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनके जो एक सीनियर पर्सन है ये क्या कहना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री का, हम लोग के बिहार के मुख्यमंत्री जी जो ने हम लोग काम सौंपा था, वो हम लोग पूर्णतः अक्षरशः सत मने के पूर्ण रूप से उतार दिए हैं। उसके बदले में अब हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि जिस प्रकार आप हमें जो भी काम आपको जो लगता था कि होने वाला नहीं है, उस काम को हम लोगों ने धरातल पर उतार दिया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन होगा कि शिक्षा सेवक को भी पूर्ण रूप से इनकी जो मांगे हैं, हमारी मांगे जो हैं, वो पूर्ण करें। तो मुख्यमंत्री जी ने जिस चीज़ को असंभव मान रहे थे उसे ये लोगों ने संभव करके दिखाया है। अब बस एक ही सपना इन लोग का है कि जो हमारी मांगे हैं वो हमारी मांगे मुख्यमंत्री जी पूरा करें। केबीसी न्यूज़ के लिए अमलेश आनंद, पटना। अब गरीब से गरीब बच्चा भी बनेगा कंप्यूटर मास्टर। सिर्फ और सिर्फ 12,000 में HP का शानदार लैपटॉप। शुरू हो गया है लैपटॉप मेला। दुनिया की सभी जानी मानी कंपनी एप्पल, डेल, HP और लेनोवो के महंगे से महंगे रिफर्बिश्ड लैपटॉप अत्यंत कम कीमत पर, वो भी 6 महीने की वारंटी के साथ। क्यों है ना बड़ी खुशखबरी, जल्दी करें। सती सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452-242573, मोबाइल 9297979709। सती सिक्योरिटी, यानी कि सस्ता बाजार, अच्छा बाजार।